नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोवामॉक्स CV-625 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, नोवामॉक्स CV टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और नोवामॉक्स CV टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। नोवामॉक्स CV टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। नोवामॉक्स CV टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर खांसी हो सकती है, इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपका डॉक्टर नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। नोवामॉक्स CV एक ब्रांड नेम है। नोवामॉक्स CV टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम क्लावुलेनेट 125 mg होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोवामॉक्स CV टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। नोवामॉक्स CV टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर नोवामॉक्स CV-625 टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन नोवामॉक्स CV टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना नोवामॉक्स CV टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको नोवामॉक्स CV टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि नोवामॉक्स CV टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोवामॉक्स CV टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में नोवामॉक्स CV टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में नोवामॉक्स CV टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्द और दस्त हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में नोवामॉक्स CV टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। नोवामॉक्स CV टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में नोवामॉक्स CV टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलेनिक एसिड, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक या सिफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को
नोवामॉक्स सीवी टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं नोवामॉक्स सीवी टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे नोवामॉक्स सीवी टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर नोवामॉक्स सीवी टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब नोवामॉक्स सीवी टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नोवामॉक्स सीवी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नोवामॉक्स सीवी टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका नोवामॉक्स सीवी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।